आज वही बड़बोला नेता बीसलपुर के मेंबरों को बुलाकर हड़का रहा है, किसी का छज्जा गिरवाने की बात करता है, किसी की दुकान गिरवाने की बात करता है। उस नेता को मैं कहना चाहता हूं, अगर तू सच्चा ईमानदार नेता है और जो तूने कहा है कि फूलबाबू चौथे नंबर पे जाएंगे नहीं तो बीसलपुर छोड़ दूंगा, तो अगर अपने असल बाप की औलाद है तो तू बीसलपुर के छोड़ को दिखाना। फूलबाबू जिंदाबाद, फूलबाबू जिंदाबाद, फूलबाबू असली मोड पर है। ऐसे गुंडे लफंगों को सबक सिखाना खूब जानता है। अब जुल्म नहीं होगा बीसलपुर में, किसी के साथ में जुल्म नहीं होगा। प्रशासन सोच ले समझ ले, यहां का गरीब भी अमीर भी इज्जतदार भी इज्जत के साथ में रहेगा। वो कल का नेता जो 2000 वोटों की बेईमानी करके छेदालाल के लड़के की बहू को हरा दिया, सही मानों में तो राजू की बीवी ही चुनाव 2000 से जीती थी। अरे अपनी अंतरात्मा जिंदा रखो, अपना शरीर जिंदा रखो। बहादुर भी मरते हैं, बुजदिल भी मरते हैं। आप सैकड़ों दुकानें हमारे हिंदुओं भाई की गिरा दी गई, 85 दुकानें हमारे मुस्लिम भाइयों की गिरा दी गई,